देखो ये प्रोग्राम जो उलीके से मैं लगता कि थोड़ी जी अभी सुधार भी करा तो थोड़ी सानू चेंज भी करनी पैनी है। यदा प्रोग्राम फाइनल जरा कल परसों दसा क्योंकि असी तो बड़े उच्च पद्धर के प्रोग्राम किए पहले तैयारी की हुई है। नगर कीर्तन साडा कल सारे घूम के आ गया, सारे पूरा महीना यात्रा करके आया। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सारे स्थान जिथे जिथे उन्होंने यात्रा से सारे उतों की लैके आए हैं। तो बड़े समागम चल रहे सी, बड़े पूरे साल के असी समागम लिखे हुए हैं, पूरे साल के एक दिन क्योंकि शताब्दी है पूरा वरा मना है। लेकिन जोड़ा सा प्रोग्राम चलना व्डे लैवल के उत्ते हूँ थोड़ा जहा सरकार की करती है की कंडीशन लाती है, कई बार सानू भी संगत को वेख के जां सरकार दीयां हदायतां वेख के फैसले लैने पैंदे कि यह ना हो कि कोई ऐसी गल हो जाए तो वो साडे उत्ते उल्टा इल्जामबाजी शुरू हो जाए कि ये तुसी संगत विच इस तरह किया, जिम्मेवार संस्था क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक जिम्मेवार संस्था है। जिम्मेवार संस्था को बड़े ध्यान नाल रहना पैंदा और जिम्मेवारियों का एहसास भी करना पैंदा, जिम्मेवारियों नूं निभाउणा भी पैंदा। हुण कल साडा पाकिस्तान जथा गया होया 12 तरीक दा, मैं आप नूं टैलीफोन किया कि सरकार महसूस करती है कि तुसी ये जथा वापस आ जाए। मैनू टैलीफोन क्योंकि सरकारी तौर पर कोई आई सी बेनती, मैं उन्होंने कहा कि दसो कहिंदे जी कि जे उन्होंने सारी यात्रा कर ली है तो हुण उत्थे ना रुकण तो वापस आ जाण। मैं कहा जी गल ये है कि तुसी जे सरकारां चाहुंदियां ने, जे सरकारां महसूस करदियां कि उत्थे कोई खतरा है तो जिहड़े उत्थे उन्हां दे कोई थोड़े हालात लाहौर च खराब बने सी तो वह वापस आ जाएंगे तो सानू कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि असी नहीं चाहते कि कोई उत्थे इहो जी घटना वापर जे, मुड़ के भी जथे ने जाना हुंदा। फिर मैं अपना जिहड़ा लीडर बना के भेजिया सी उन्हें टैलीफोन किया, वह टैलीफोन आया कल, उन्हें कहा बीबी जी भी इतने हालात बहुत वधिया सी, बड़े वधिया दर्शन किए हैं। कल नगर कीर्तन करतारपुर साहब तो कढ़ के 0 पॉइंट से पंजाब वाले पासे नूं भी आए हैं, उत्थे उन्होंने आके अरदास भी की है करतारपुर साहब लांघा खोलन वास्ते। तो नाल उन्होंने कहा कि असी इन्ने आनंद विच ऐतकी यात्रा की है कि कोई परेशानी नहीं आई, सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध किया हुआ। पर फिर भी मैं उन्होंने कहा, कहिंदे मेरे साडे कोल आए सी अंबैसी वाले, इंडियन अंबैसी वाले, कि तुसी अपनी यात्रा हुण क्लोज़ कर दो। मैं उन्होंने कहा कि तुसी सारे दर्शन कर ले, कहिंदे हाँ जी रोहड़ी साहब रह गया। मैं कहा सवेरे रोहड़ी साहब दर्शन कर लो, फिर उन्होंने कह दिओ भी जी जे सरकार चाहुंदी है तो असीं वापस जा सकते, सानू कोई इतराज़ नहीं है। सो इस करके कई बारी सानू सरकारां दी भी सुननी पैंदी है, असी नहीं क्योंकि एक जिम्मेवार संस्था दे असी हैगे हैं, सानू जिम्मेवारी दा अहसास भी है। असी नहीं चाहते किसी नुकसान होवे, जे कोई नुकसान हो जाए फिर कल आने वाली कल नू साडे उत्ते बहुत वड्डा एक इल्जाम लग जाता। मैं नहीं चाहती कि साडी संस्था कोई इल्जाम लगे, क्योंकि कनेडा च वेखे जांदे दोने, कनेडा दीआं संगतां किवें शमूलियत करने नाल समागमां च जां किवें मनाउण होते। मैनू इस तरह लगता कि जे इस तरह के लॉकडाउन जां करफ्यू लग गए तो जिहड़ियां संगतां कई बार नहीं आ जा सकदियां, उन्हां नूं असी कोशिश कर रहे हैं कि अज ही असी सारी प्लान करांगे कि सारा समागम जिहड़ा असी ऑनलाइन जिस तरह हुंदा लाइव चलावांगे। जिथे जिथे संगतां बैठियां ने, भावें वह प्रदेश विच है भावें वह देश विच है, जिहड़ियां उत्थे नहीं आ सकणगियां क्योंकि वड्डी गिणती शायद गैदरिंग ना की जा सके, साडियां भी मजबूरियां होणगियां, संगत भी महसूस करेगी। सो मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगी समागम इस तरह चलणगे, जिन्ने साल के समागम चलन, जिन्ना ये 29 अप्रैल 30 अप्रैल तो 1 मई नूं समागम चलणगे, उहदे विच जिथे संगत बैठी है वह अपने घर बैठ के जिहड़ा आनंद है वह लै सकती है, बाणी भी चलेगी प्रचार भी चलेगा। सारियां संगतां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसीं उत्थे बैठे ही हाजिरी लवा के गुरु तेग बहादुर साहब जी के सन्मान विच उहदियां बख्शां प्राप्त करो। बीबी जी सांझा टीवी ते गुरकी बाणी टीवी जो वर्ल्ड वाइड चलता है, ये उत्ते तुसीं की संदेश देना चाहोगे संगत नूं जे लॉकडाउन लग जाता है तो सरकार किसी गल्लां ते बैन ला दिंदी तो फिर किवें होएगा। देखो मैं आप जी के चैनल राही सारी संगत नूं बेनती करती हाँ कि मैनू पता है कि गुरु तेग बहादुर साहब की जो जीवन की कुरबानी की बाणी की तुहाडे मनां विच अथाह शरदा है और हर कोई हर सिख चाहुंदा कि असीं जाके गुरु के महल मत्था टेक सकीए, हर सिख चाहता कि असी जाके समागम च शामिल हो सकीए। जिहड़ी सिख संगत आ के मत्था टेक सके वह तो वाहिगुरू की भागा वडभागी है, लेकिन जिहड़ी नहीं आ सकती जिथे भी तुसी बैठे हो दुनिया के किसी कोने विच भी तुहाडे तक सारे उस समागम के
जिहड़े समागम दे जिन्ने भी दृश्य होणगे, जिन्ने भी कीर्तन होणगे, गुरमत विचारां होणगियां जां बाकी सारे समागम होणगे, असी टीवीआं राहीं, चैनलां राहीं, सोशल मीडिया राहीं जां ऑनलाइन असी सारा कुछ वो करके असी तुहाडे तक पहुँचावांगे। चिंता नहीं करनी, ना ही मायूस होना, सारी संगत खुशियां खुशियां उहदे शामिल होवो, अरदास विच वी शामिल होवो, गुरु पातशाह दे जस गायन करन विच वी शामिल होवो, ते अपनियां हाजरियां लवा के वडभागी बनो, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने साडी खातर, धर्म की खातर, धर्म की आज़ादी की खातर, मनुखता की जिहड़ी अधिकारां की खातर बहुत बड़ी शहादत दित्ती है। तो सानू जो बाणी बख्शी है, जिथे वरागमई है उत्थे मनुख की आत्मा नूं हलूणा देण वाली भी है, उस हलूणे विच आ के असी अपना जीवन जिहड़ा सफला करना। देश के प्रधानमंत्री नाल भी तुहाडी मीटिंग होई सी ऑनलाइन पिछले दिन, प्रकाश पुरब 400 साल विशेष कुछ तुसीं कार्ज करन लई उन्हां नूं कहा सी, उह किवें दा सी प्लान सारा? देखो प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन सारे नाल मीटिंग कीती सी और सानू बतौर मुख सेवादार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी शामिल किया सी। उहदे विच क्योंकि समय की बहुत थोड़ हुंदी है, 5-7 मिनट विच ही अपने विचार कहने हुंदे है, जिथे असी गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन के संबंध में शॉर्ट करके उन्होंने दसिया, उत्थे नाल ये भी कहा सीगा कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म की आज़ादी वास्ते और मनुखी अधिकारां की खातर जो एड्डी वड्डी शहादत दित्ती है, जिस की शहादत की किसी ने तुलना नहीं की जा सकती, लासानी शहादत जिन्हें दूसरे के धर्म की खातर, क्योंकि वो वास्ते दूसरा कोई नहीं सी, उहदे वास्ते सब एक सी। जदों उन्होंने पुछया गया सी ना उस वेले औरंगजेब दे, उन्होंने पुछया जिहड़े देण वाले सी तशद्दुद करन वाले, उन्होंने कहा कि तू एक इस्लाम एक हिंदू धर्म की खातर अज अपनी कुरबानी दे रहा। उन्हें कहा जे इस्लाम ते भी जुलम हुंदा, जे इस्लाम नूं भी ये सहना पैंदा ते मैं उन्हां वास्ते भी करदा। सो मेरा कहण तो भाव है कि जो उन्होंने उन्होंने मैं बेनती की कि उहदी शहादत एड्डी वड्डी सी, लासानी सी कि उहदे जे असी उहदी याद विच कुछ बनाईए तो शायद असी इंसाफ तो नहीं कर सकते, उहदा असी कर्जा नहीं मोड़ सकते गुरु साहब जी का, लेकिन ऐसी कोई विश्व कौमी पद्धर की कोई ऐसी यादगार बनाओ जिहदे विच्चों सारे उहदे जीवन के फलसफे का, सारे उहदे जीवन दीआं दित्तीआं बख्शां का, उहदी शहादत का, ते जो उन्होंने संसार के लोगों नूं एक सुनेहा दिता वह सारी दुनिया इहदे विच्चों लै के जा सके। इत्थों तक भी कि जिहड़े उहदे अनन सिख सी, भाई मतीदास वर्गे, भाई सतीदास वर्गे, भाई दयाला जी वर्गे, जां जिहड़े उहदे प्यारे सन जिन्हां ने उन्हां वास्ते बहुत वड्डी कुरबानी कीती है, बाबा लखी शाह बंजारे वर्गे, बाबा मक्खण शाह लबाणे वर्गे, भाई जाता जी वर्गे, बाबा जीवन सिंह जी वर्गे, उन्हां सारिआं दी भी उहदे विच्च इतिहास आ जाए, जिहदे विच्चों जिहड़ा भी कोई आवे ये समझो कि आउण वाला सुनेहा जिहड़ा उह इत्थों लै के जाए। दूसरी गल कि जिहड़ा उन्हां दी यात्रा सी गुरु नानक साहब तों बाद, जे लंबी यात्रा किसी ने की है तो गुरु तेग बहादुर साहब सन, उन्होंने गुरु के महल तो लैके जिन्नियां यात्रावां कीतियां, जिथे जिथे उन्होंने पड़ा किए है उत्थे कोई जिदा विरासत ए खालसा एक बहुत वड्डी यादगार बनी है आनंदपुर साहब दे विच, उसे तर्ज के उत्ते एक वड्डियां यादगारां ऐसियां बनाईयां जाण, भावें वह किसी हस्पताल की शेप विच होण, भावें यूनिवर्सिटी के शेप विच होण, जिस तरह बाबा बकाला दे विच वड्डी यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है जिथों खोजां कीतियां जा सकन। सो इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां सीगियां कि हस्पताल होण, कोई मॉडर्न स्कूल कॉलेज होण, भावें कोई यादगार दे तौर दे उत्ते इतिहासिक तौर दे उत्ते उहदे कोई उहनां दे जीवन दे संबंध विच होण, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸਾਮ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ UNO ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਬੂਰ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 19 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ,
तुसी मैं बतौर मुख सेवा दा श्रोमणी कमेटी ये कहना चाहनी है सीमित संगता करके, मैं नहीं कहती कि कोई हज़ारां 2000 जान, थोड़ी सीमित करके तुसी भावें हदायतां कर दिओ, पूरियां जिहड़ियां लिमिटे साडियां की कंडीशनज़ है वह स्थापित कर दो, उहदे अनुसार जिहड़ियां संगतां ने उत्थे भावें रोज़ दियां 20 जान, कोई 50 जान जां कुछ जान उत्थे जाके दर्शन कर देण, इह तुहाडी एक वड्याई होएगी कि तुसी जिहड़ा लांघा खोलिया सी उहनूं जारी रखिया। सो इहो जिहियां चीज़ां सी कुछ जिहड़ियां भी सानूं भाषा जिहड़ी साडी है जिहड़ी बाणी है वह पंजाबी विच है, वह लिपि साडी जिहड़ी है वह हर थां दे उत्ते होनी चाहीदी है तां जो गुरसिख जिहड़े है 150 देशां दे विच वसदे है घट्टो घट उहनां दे तक बाणी पहुँच सके। सारी बाणी गुरु तेग बहादुर साहिब जी वो वख वख भाषावां विच खास करके भारत दीयां भाषावां दे विच उहदा उलत्था कराया जाए और उहदा सहयोग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उहदी नोडल एजेंसी जिस तरह हुंदी है वह सरपरस्ती दित्ती जाए कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उहनूं अप्रूव करके वह सारा आप जी ने सहयोग दे सकन। ते नाल जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे जीवन की गाथा है उहदा इतिहास है वह सारियां किताबां दे विच भावें उह कोई बोर्ड है भावें उह NCERT स्पैशल तौर दे उत्ते उहदे विच जरूर लगवाइया जाण ता जो साड़ी आने वाली पीढ़ी जड़ी है गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन तो जाणू हो सकन। ते नाल ये भी बेनती की सी कि जिहड़ी इतिहास के कई बार मिलगढ़ हो जाता रलगढ़ हो जाता बाद विच दुविधा पैंदी है मतभेद पैदा हुंदे है पिछलियां किताबां नूं एक बारी वाचण वास्ते श्रोमणी कमेटी की जिम्मेवारी लाई जाए तो आने वाली किताब का इतिहास जिहड़ा लाउणा है वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रवानगी तो बिना ना लाया जाए उन्हां को प्रवानगी करा क्योंकि इक्को एक संस्था है जिहड़ी कौम नूं जवाब दे हो सकती है इक्को एक संस्था है जिन्हें अज तक गुरमत नूं सांभ के रख्या होया ते गुरमत तो कभी दूर नहीं किसी नूं होण दिंदी। ठीक है कि संसार के बहुत सारे लोग है जिहड़े गुरमत के खिलाफ़ भी कोई गल कर सकते हैं लेकिन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी गुरमत नूं सांभ के रखी इहो जिहियां बहुत सारी बेनतियां सन जिहड़ियां असीं उहनां नूं याद कराई। बीबी जी की समागम सारा साल चलना पूरे साल दे असीं उलीक बैठे हैं असीं उलीक दिते हुए हैं सिर्फ हुण हालात वेखदे हैं कि जिहड़ा 29-30 पहली दा समागम है उह किस ढंग नाल कीता जावे। खैर संगत तक असीं जरूर पहुँचावांगे उन्होंने मायूस नहीं होने देंगे असी बाणी असी गुरमत विचार असी गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो संदेश सी जो शहादत सी उहदे बारे सारा कुछ असी संगत के घर घर तक पहुँचाने की जतन करा। बीबी जी सांझा टीवी गुरकी बाणी टीवी हमेशा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल है जो भी तुसीं साडी जिम्मेवारी लाओगे असी कोशिश करांगे कि असी उसते खड़े हो। मेहरबानी जी ये तुहाडे करके ही है कि इस स्थान की महानता इस संस्था की महानता गुरतामां की सेवा संभाल इतों दियां कीतियां सेवावां कौम दियां वह सारे संसार के लोगों तक जाण मैं तुहाडा भी धन्यवाद करती हाँ कि साडा सुनेहा जिहड़ा तुसीं सारे तक पहुँचाओगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।